गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स का अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर इससे पहले वाली क्लास में अपने डेप्रिसिएशन की रेट यानी किस कौन सी एसेट्स के ऊपर कितनी जो रेट है वो डेप्रिसिएशन की एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अपने को चार्ज करनी है, वो अपने वो रेट्स है वो बेटा डिस्कस की थी। आज की क्लास के अंदर अपन इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये देखिए बेटा, जब अपन अलाउेबल डेप्रिसिएशन निकालते हैं किसी भी एसेट्स के ऊपर, यदि अपन डेप्रिसिएशन अलाउड करते हैं है ना, जिसको ये जो अलाउड एक्सपेंसेस माना जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम के अंदर, तो इसके अंदर ये प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी जो डिडक्शन है वो दिया जाता है। तो अपना जो आज टॉपिक है वो लिया अपन इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसके अंदर बेटा प्रत्येक जो पॉइंट है उसको आपको ध्यान से देखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर अपन ने क्या लिखा बेटा, द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडेड ऑफिस मशीन एंड व्हीकल एटसेट्रा। यानी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो सबसे पहले इसके अंदर ये वाली लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़े इसके अंदर कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्या होनी चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए जो आपने पुरानी या है ना सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है, उसके ऊपर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा, और प्लांट एंड मशीनरी पर जब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट मिल रहा है वो प्लांट एंड मशीनरी क्या होनी चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। उसके बाद में आगे दे रखा है, देखिए इसके अंदर ऑफिस मशीन या इक्विपमेंट्स है और व्हीकल्स वगैरह उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी इसका सीधा सा कनेक्शन बेटा, जैसे ऑफिस के अंदर यदि कोई मशीन वगैरह या कोई व्हीकल वगैरह मोटर कार वगैरह यदि आप यूज करते हो तो उसका कोई कनेक्शन प्रोडक्शन से नहीं होता है, उत्पादन से नहीं होता है, इसलिए शायद इसके अंदर अपना ये जो बेनिफिट दिया गया है वो ओनली प्लांट एंड मशीनरी, जिसके अंदर ऑफिस मशीन और व्हीकल को छोड़ दिया, क्योंकि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली रूप से होता है, इसलिए इसका जो बेनिफिट है ऑफिस मशीन या व्हीकल्स के ऊपर नहीं दिया जाएगा। ओनली प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन देना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन देने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है इसके अंदर एसएससी मस्ट एक्वायर एंड इंस्टॉल्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर 31 मार्च 2005। यानी जो भी करदाता है यदि उसने जो नई प्लांट एंड मशीनरी या तो एक्वायर्ड की है या इंस्टॉल्ड की है वो आफ्टर 31 मार्च 2005 के बाद होना चाहिए। यानी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो 31 मार्च 2000 के बाद दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो परचेज है इसके अंदर आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन करेंगे करंट के अंदर वो बड़ा आफ्टर 2005 ही होगा इसके अंदर, तो इसमें आपके दिक्कत नहीं आनी है। तो ये भी इसका एक प्रोविजन का पार्ट है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन वो 31 मार्च 2005 के बाद अपने को डिडक्शन दिया जाता है इसका, तो एडिशनल बेनिफिट है वो इस डेट के बाद ही दिया मिलता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, इट मस्ट बी अलाउड वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ मशीन। यानी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है बेटा वो आपको लाइफ में ओनली वन टाइम मिलेगा। ये नहीं है कि प्रत्येक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, प्रत्येक असेसमेंट ईयर के अंदर आपको एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है वो मिले, ये डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो आपको मशीन की लाइफ टाइम के अंदर ओनली वन टाइम मिलेगा, यानी जीवन में केवल एक बार मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लांटेड मशीन। देखिए इसके अंदर बड़ा फिर ये पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है इसके अंदर, ये ध्यान रखना इसकी जो रेट है वो 20% है प्लांटेड मशीनरी के ऊपर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन देंगे, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन देंगे वो ओनली कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, इसके लागत मूल्य पर होगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है।
ये किसके ऊपर होगा बेटा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, लागत मूल्य पर होगा। यदि आपने इसकी WDV निकाल लिया तो WDV के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय इसकी जो कॉस्ट है उसको ध्यान रखना है और उसी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देना है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ एसएससी परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर 30th September देन रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी 10%। ये कह रहे हैं कि यदि एसएससी 30th September के बाद यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता है तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो रिबेट है वो 20% की जगह कितनी मिलेगी? 10% मिलेगी। ये 20 और 10 का मतलब बेटा वही है जो अपने 180 डेज वाला किया था। यदि 30th September के बाद, है ना, 30 सितंबर के बाद यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी एसेट्स खरीदी जाती है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, देखिए कि इसके अंदर जो अपन प्लांट एंड मशीनरी यदि 30th September के बाद परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो कितनी है? 10% है। 10% होने का मतलब है यहाँ पे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अपन इसके ऊपर लगा रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर, इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज अक्वायर्ड एंड सोल्ड इन सेम प्रीवियस ईयर देन बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। मतलब बेटा यदि आपने सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर यदि न्यू प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर रहे हो और उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसको सोल्ड भी कर दिया, आपने बेच भी दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी एक पॉइंट आपके क्वेश्चन के अंदर साथ चलेगा। इसके अंदर जब अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो ओनली न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर देना है। उसके बाद बड़ा सेकेंड ये ध्यान रखना है कि उसके कॉस्ट प्राइस पर डेप्रिसिएशन देना, ठीक है। थर्ड इसके अंदर है एडिशनल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 20% है। ये मैंने बेसिकली अलग बता रहा हूँ, पॉइंट अपने जो लिख रखे हैं वो तो अपने पूरे पढ़ने ही है। इसके अलावा जैसे कुछ अपनी एक है ना सिंपली अगर याद रखें तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, है ना। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी के बाद में उसका जो बेनिफिट है वो कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा। जो रेट है डेप्रिसिएशन की वो 20% है। यदि सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो और उसी एसेट्स को यदि सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उस स्थिति के अंदर जो डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जैसे अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसी टाइप से अपना हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो अपना डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, कुछ स्थिति के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो हायर रेट से अपन चार्ज करते हैं, तो हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कब अप्लीकेबल होगी वो अपन इसके अंदर पॉइंट ले रहे हैं। ये तो अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये कंप्लीट है बेटा। अब अपन ले रहे हैं इसका हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये देखिए बेटा, हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसकी कुछ कंडीशन है जो यदि सेटिस्फाई होती है उस स्थिति के अंदर जो हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा? इसके अंदर 40% होगा इन प्लेस ऑफ 15% किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी पर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले अपने लिया बड़े इसके अंदर हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इफ एसएससी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन देन द नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी विल बी 40% इन प्लेस ऑफ 15%। ये कह रहे हैं कि ये कुछ कंडीशन है जिसको यदि सेटिस्फाई कर दिया जाता है तो हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा? 40% होगा इन प्लेस ऑफ 14%। 14% की जगह 40% होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है बड़ा वो देखना अपने को। ये कह रहा है एसएससी मस्ट बी मैन्युफैक्चरर, यानी सबसे पहले जो एसएससी है वो उत्पादक होना चाहिए, वस्तु का उत्पादन करने वाला होना चाहिए। पहली कंडीशन ये, यदि आप हायर रेट का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है, आर्टिकल प्रोड्यूस बाय मशीन शुड नॉट बी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये कह रहा है कि जो आर्टिकल जो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा वो आर्टिकल है जो इनकम टैक्स एक्ट की 11 शेड्यूल है उसके अंदर स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। देखिए इसके अंदर बड़ा, आप अपनी इनकम टैक्स की बुक के पीछे देखोगे उसके अंदर 11 शेड्यूल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, जिसमें तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अल्कोहल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, इस प्रकार के जो कुछ हार्मफुल है, कुछ अलग जो प्रोडक्ट है वो अपने को दे रखे हैं, तो 11 शेड्यूल के अंदर उसको डाल रखे हैं।
यदि आप इन प्रकार के प्रोडक्ट का यदि प्रोडक्शन करते हो तो उस स्थिति के अंदर आपको हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसमें बड़ा एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अब आपको 11th शेड्यूल है उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसको आप एक बार रीड आउट करके देख सकते हो कि 11th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर बड़ा मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि जो प्रोडक्ट है वो 11th शेड्यूल के अंदर आता है या 11th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। तो नहीं आता है तो आपको ये एडिशनल जो हाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट देना है। यदि वो प्रोडक्ट है वो इसकी कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो आपको हाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट इसके अंदर टेक्निक ऑफ द प्रोड्यूस आर्टिकल मस्ट बी इन्वेंटेड बाय नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन। जो भी टेक्निक है जो प्रोडक्ट या आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए काम में ली जा रही है वो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेंटेड होनी चाहिए, उसका जो आविष्कार है वो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर जो अपने को हाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट मिलेगा बड़ा। इसकी रेट है वो 15% की जगह कितनी होगी 40% होगी। कौन कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी है? पहली कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो 11th शेड्यूल में नहीं आना चाहिए। रेट है वो 40% होगी, ये तो अपना क्लियर हो ही गया। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेंटेड होना चाहिए। ये कंडीशन यदि फुलफिल होती है, सेटिस्फाई की जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा अपना डेप्रिसिएशन रिलेटेड जो पॉइंट है वो अपने इसमें डिस्कस किए, ठीक है। सबसे पहले बेसिक कंडीशन, उसके बाद में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद में डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो ब्लॉक अपन तैयार करते हैं वो ब्लॉक किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में अपन ने आज जो इसके दो पॉइंट लिए, एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन और उसके बाद में एक हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके बाद में अपने एक प्रकार से डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में अपन इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ले रहे हैं इसके अंदर रिबेट्स। देखिए बेटा इसके अंदर आपसे रिलेटेड इसके अंदर दो रिबेट्स हैं जो अपने ज्यादातर इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर रिबेट का मतलब होता है छूट, यानी कोई स्पेसिफिक टाइप का यदि अपन प्रोडक्ट बनाते हैं या व्यवसाय करते हैं या कोई अमाउंट है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर अपन कहीं बैंक में या कहीं इंस्टीट्यूट के अंदर या गवर्नमेंट के पास यदि डिपॉजिट करवाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने को कुछ बेनिफिट देती है, यानी प्रॉफिट में से कुछ डिडक्शन देती है। इससे अपने को टैक्स पे करने के अंदर बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, यानी अपने को टैक्स की अमाउंट है उससे शॉर्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर रिबेट के अंदर जो बड़ा फर्स्ट जो अपनी रिबेट है वो है इसके अंदर अपनी यानी जो पहला जो रिबेट की कंडीशन है वो है टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है। इसका जो सेक्शन है वो दे रखा अपने को क्या 33AB(a), ठीक है। अब ये है क्या मैडम, इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि करदाता यानी एसएससी है ना भारत के अंदर टी कॉफी या रबर डेवलपमेंट के अंदर लगा हुआ है यानी उसके निर्माण के अंदर लगा हुआ है और उसके निर्माण के अंदर ही उसमें से कुछ अमाउंट है वो किसी भी नेशनलाइज बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर इसके विकास यानी इनके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए यदि डिपॉजिट करता है तो जो डिपॉजिट करवाई गई अमाउंट है उसका जो बेनिफिट है वो इस सेक्शन के अंदर दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो रिबेट्स के अंदर पहला अपन ने लिया बड़ा टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट सेक्शन 33AB(a)। ये क्या कहता है, यदि एसएससी करदाता टी कॉफी या रबर डेवलपमेंट अकाउंट के अंदर लगा हुआ है और इसके व्यवसाय के विकास से रिलेटेड
है ना, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी अमाउंट यदि नेशनलाइज बैंक के अंदर जमा करवाता है तो उस स्थिति के अंदर इस रिबेट का बेनिफिट इसमें दिया जाता है। अब रिबेट का बेनिफिट कैसे दिया जाता है, इसके अंदर दो चीज देखनी होती है, फर्स्ट अमाउंट डिपॉजिटेड इन नेशनलाइज बैंक और 40% ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इसमें क्या लेना अपने को कि इसके अंदर सबसे पहले जो अमाउंट डिपॉजिटेड है नेशनलाइज बैंक के अंदर वो, और 40% ऑफ इस बिजनेस का प्रॉफिट है वो देखना है। इसमें से जो भी कम है ना, अब यहां लिखेंगे अपन विच एवर इज लेस विल बी अमाउंट ऑफ रिबेट। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा जो भी कम है वो रिबेट की अमाउंट होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट अपना कंप्लीट है जो रिबेट के अंदर पहला केस के अंदर टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट सेक्शन 33 ABA का सेक्शन है। ये जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई अपने नेशनलाइज बैंक के अंदर वो, और इसके अंदर जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसका 40% इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी अमाउंट ऑफ रिबेट होगी, यानी उतनी अमाउंट का आपको रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, उतना प्रॉफिट आपका डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा इसमें से। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड इसके अंदर रिबेट के अंदर सेकेंड पार्ट इसके अंदर साइट रेस्टोरेशन साइट रेस्टोरेशन अकाउंट इसका सेक्शन है। इसमें बड़ा इसका तो सेक्शन ना ये ईबी है सर, ये ईबी और इसका अपना है सेक्शन ई 33 ABA। ठीक है, साइट रेस्टोरेशन अकाउंट भूमि पुनर्स्थापन खाता। ठीक है, अभी होता है क्या, देखिए साइट जो रेस्टोरेशन अकाउंट है भूमि पुनर्स्थापना खाता, यदि बड़ा एसएससी करदाता यदि एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ, या तो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या दोनों के डेवलपमेंट या उसके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, लगा हुआ है इसके अंदर भारत के अंदर, और इसके डेवलपमेंट के अंदर यदि कोई भी अमाउंट है वो स्पेसिफाई फिक अकाउंट में डिपॉजिट कराता है बैंक के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर ये रिबेट दी जाएगी। ठीक है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि यदि एसएससी करदाता है ना साइट रेस्टोरेशन यानी भूमि पुनर्स्थापना खाता के अंदर लगा हुआ है, और उसके अंदर यदि भूमि पुनर्स्थापना से रिलेटेड यदि कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर टी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगा हुआ है, और उसके डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए किसी भी बैंक के स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर यानी नेशनलाइज बैंक की माना जाता है वैसे उसके स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर यदि कोई भी अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाता है तो उस स्थिति के अंदर ये रिबेट है वो दी जाती है। तो इसमें रिबेट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, रिबेट की अमाउंट इसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक और 20% ऑफ
बिजनेस प्रॉफिट विथ एवरेज लेस विल बी अमाउंट ऑफ रिबेट। ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम है वो अपनी अमाउंट ऑफ रिबेट होगी। तो इसके अंदर बड़ा जो डेप्रिसिएशन के अलावा जो रिबेट से रिलेटेड जो अपने टॉपिक्स दे रखे हैं वो इसमें दो रिबेट दे रखी है, एक तो टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, और उसके बाद में सेकेंड इसके अंदर साइट रेस्टोरेशन से रिलेटेड रिबेट। ठीक है, ज्यादातर इसमें कई बार बड़ा क्वेश्चन के अंदर अपने जैसे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें ये साइट रेस्टोरेशन या टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट से रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको उस स्थिति के अंदर उसका पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो ये दोनों ही है, इसके अंदर देखिए जो टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट, इसके नाम से स्पष्ट है कि ये इस प्रकार का जो बिजनेस के अंदर या डेवलपमेंट से रिलेटेड यदि कार्य में लगा हुआ है और कोई अमाउंट स्पेशलाइज बैंक के अंदर जमा कराता है तो उस स्थिति के अंदर ये डिडक्शन दिया जाता है। साइट रेस्टोरेशन का जो डिडक्शन है वो पेट्रोलियम या जो नेचुरल जो गैस है उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, और इनके डेवलपमेंट के लिए यदि कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाता है तो ये रिबेट है वो दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रिबेट है, इससे रिलेटेड अपने ये दो टॉपिक है, और ये डेप्रिसिएशन है, इससे पहले बड़ा अपन ने उसका डेप्रिसिएशन का पार्ट कंप्लीट किया। तो अपना जो ये इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक जो प्रोविजन का पार्ट है वो बड़ा कंप्लीट है इसके अंदर। अब इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो दो या तीन क्लास के अंदर अपने प्रोविजन देखे हैं जो किए हैं उन प्रोविजन को आप अच्छे से करना है, उसको ध्यान से करना है, उसके बाद में इसके क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए बढ़ाई।